साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामना को पूरी करें। ब्रिटलाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों आज का जो मैं उपाय बता रहा हूँ इसका लोग अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं और इसका एक वैज्ञानिक तर्क भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये प्रयोग जो है आपके जो शिखा है, शिखा जो मेन सेंटर सिर का होता है इसे शिखा कहा जाता है। यहां पर आपका सहस्त्रास चक्र है। आपकी बॉडी में 7 मेजर चक्रास होते हैं, ठीक है, लेकिन सहस्त्रास चक्र जो है इसमें से आपकी समस्त प्रकार की जो ऊर्जा होती है ये प्रवाहित होती है। शास्त्रों में कहा गया है इसका आकार जो होता है गाय के पैरों का जो खुर होता है उसके आकार का ये होता है, उतना बड़ा ये साइज होता है। और शिखा में आपने देखा होगा कि चोटी रखी जाती है, तो गाय के खुर के बराबर ही सिर पे चोटी रखी जाती है। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है दोस्तों कि हमारे सिर में जहां पर चोटी रखी जाती है वहां पर एक छोटा सा ऐसा मेन पॉइंट होता है जहां पर यदि छोटी सी भी अगर चोट लग जाए तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए इसका वैज्ञानिक तर्क यही है कि शिखा पर चोटी रखना चाहिए ताकि वहां पर कोई चोट ना लगे। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस चक्र के द्वारा समस्त प्रकार की नेगेटिव पॉजिटिव समस्त ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में एक एनर्जी होती है। आपने देखा होगा कि बालों से, नाखूनों से, कपड़ों से कुछ तंत्र मंत्र प्रयोग कर दिए जाते हैं जिससे इंसान का व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाता है, वशीकरण कर लिया जाता है। तो कभी भी दोस्तों अपने बालों को, नाखून को यहां वहां कभी ना फेंके। मैंने नाखून काटने के और उनको कैसे यूज करना है, क्या करना है, उसका भी वीडियो बनाया हुआ है। आप चैनल पर चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नाखून काटने के द्वारा भी दोस्तों आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। एक बार नाखून काटेंगे और दूसरे बार जब नाखून काटने तक आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप चैनल पर चेकआउट करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और आज जो मैं दोस्तों आपको ये बता रहा हूँ, प्रयोग बता रहा हूँ, ये प्रयोग करने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में दरिद्रता है, कंगाली है, या फिर घर में ऐसा लगता है कि आपको वातावरण अच्छा ही नहीं लग रहा है, ग्रह कलेश बहुत ज्यादा रहता है, घर के मेंबर्स कुसंगति में पड़ रहे हैं, घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, मतलब जिस गति से आ रहा है उससे दुगनी गति से जा रहा है, तो ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों तमाम प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाएं, आसुरिक शक्ति, तंत्र मंत्र कुछ भी होगा आपके घर से बाहर हो जाएगा। प्रयोग बहुत छोटा है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। तो जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मैं शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि मेरे तक कोई जानकारी होती है मैं आप तक शेयर करता हूँ ताकि आप लोग इसका लाभ प्राप्त करें। आप लोग यदि इस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, आप तक ये जानकारी पहुंच रही है, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो औरों तक जिसको इस जानकारी की जरूरत है उस तक इस जानकारी को पहुंचाएं ताकि वो यदि इस प्रयोग को करेगा तो उसका लाभ आपको भी प्राप्त होगा। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने रिश्तेदारों में, सब जगह शेयर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, लोग इसका प्रयोग करेंगे, उतना ज्यादा आपको भी लाभ प्राप्त होगा। मैं जानकारी शेयर कर रहा हूँ, आप प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ मुझे भी प्राप्त होगा, तो शेयर जरूर करें दोस्तों। अच्छी जानकारी है, धर्म का काम है, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों इस प्रयोग को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, अगर अर्जेंट नीड है तो कभी भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको बुधवार के दिन में, रविवार के दिन में और शनिवार के दिन में करते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। रविवार, शनिवार और बुधवार, इस दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो करना क्या है दोस्तों आपको, आप इसको, इस प्रयोग को 12 बजे भी कर सकते हैं दिन में, या फिर जब भी आपको टाइम मिले तब इस प्रयोग को कर सकते हैं। रात्रि में करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, सूर्य ढलने के बाद में इस प्रयोग को किया जाए तो अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन स्वच्छता से करना है। दोस्तों मैंने हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि सिर पर कोई भी प्रयोग करते हैं तो सिर पर कपड़ा जरूर रखें। सिर पर कपड़ा रखने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपके जो सिर में चोटी में, शिखा स्थान में सहस्त्रार्थ चक्र जो है, यहां से नेगेटिविटी प्रवेश ना करे, क्योंकि जब कोई आप अच्छा प्रयोग करते हैं
तो नेगेटिव एनर्जी तुरंत उसमें परेशानी क्रिएट करने के लिए आसपास आ जाती है। तो आप कोई प्रयोग करते हैं तो नेगेटिविटी ना आए, सिर पे कपड़ा रखने से नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है और आपका काम सफल होता है। तो इस प्रयोग को भी जब जब आप करेंगे तो सिर पर कपड़ा जरूर रखें, ठीक है। तो करना क्या है आपको दोस्तों, अगर आप सूरज ढलने के बाद में कर रहे हैं तो आपको अपने शिखा के जो मेन सेंटर होता है यहां से आपको चार बाल निकालने हैं। पुरुष निकाल रहे हैं, महिलाएं निकाल रहे हैं, चार बाल आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब चारों बालों को आपको कोशिश करना है कि चार गांठें उसमें लग जाएं, ठीक है। चार गांठ उसमें लगा सके आप, चार गांठ लगाते समय जैसे आपने एक गांठ लगाई तो आपको क्या बोलना है, अपनी मनोकामना बोलनी है कि मेरी अगर आपके पास में पैसा नहीं आ रहा है तो गरीबी से मुक्ति, धन प्रचुर मात्रा में आए। अब यदि आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जा से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति, शत्रु से मुक्ति। एक गांठ लगाएंगे, एक बार में एक मनोकामना के लिए करेंगे या एक परेशानी से मुक्ति के लिए। तो गांठ लगाते हुए और आपको अपनी मनोकामना या परेशानी आपको बोलते जाना है, ठीक है। अब एक आपको रेशमी नीला धागा लेना है, ठीक है। नीला धागा लेंगे, अब इसको आप क्या करेंगे, बाल जो आपने लिए हुए थे तो बालों के ऊपर से इसको पूरा कवर कर देंगे नीले धागे को, ठीक है। पूरा कवर करके लपेट देंगे उसको और उस धागे में भी आप चार गांठ लगाएंगे। एक गांठ लगाएंगे ओम रंग राह भी नमः, दूसरी गांठ लगाएंगे ओम रंग राह भी नमः, फिर तीसरी गांठ ओम रंग राह भी नमः, चौथी गांठ ओम रंग राह भी नमः। ऐसे करके आपको चार गांठें लगा देनी है, ठीक है। फिर जो जब पूरा कवर हो जाता है तो उसको सीधे हाथ में लेना है, आपको सीधे हाथ में आप रखेंगे और उसके बाद में आपको चार चार बार फिर से ये मंत्र पढ़ना है। चार बार कैसे पढ़ेंगे, ओम रंग राह भी नमः, ओम रंग राह भी नमः, ओम रंग राह भी नमः, ओम रंग राह भी नमः। ये एक बार हो गया, चार बार का एक, फिर से चार बार ऐसे मंत्र पढ़ेंगे, फिर से चार बार, टोटल 16 हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद में आपको चंदन की चार अगरबत्तियां लेनी है, ठीक है। और आप इसमें क्या करेंगे, धूप बत्ती कर देंगे इसको पूरा कम से कम 4 मिनट तक। दोस्तों चार का अंक राहु का है, ठीक है। राहु जो होते हैं अचानक से दंडित करते हैं, सिर्फ दंड देने का काम है इनका। राहु जिस पर यदि बिगड़ गए तो सिर्फ दंडित ही करते रहेंगे, और ये प्रयोग यदि आपने कर लिया तो राहु आप पे मेहरबान हो जाएंगे। अचानक से आपकी जिंदगी में सफलताएं आएंगी, दरिद्रता है, कंगाली है, अचानक से ये योग भंग हो जाएंगे, धन योग बन जाएंगे, पैसों में खेलने लगेंगे आप। तो आपने चार अगरबत्ती चंदन की ले ली, इसको धूप दिखा दिया, और प्रयोग जैसे कि मैंने बताया कि अगर बुधवार या फिर रविवार या फिर शनिवार को कर रहे हैं तो बेस्ट है, अर्जेंट नीड है, कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद में इसको उठा करके आपको अपनी तिजोरी में कहीं नीचे दबा देना है, ठीक है। और हर बुधवार के दिन में, शनिवार के दिन में, रविवार के दिन में चार बूंद इत्र की, चंदन के इत्र की इसमें टपकाते जाइए। अगर कर सकते हैं तो रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा आएगा, समझ लीजिए सोने पे सुहागा का काम करेगा। दोस्तों ये प्रयोग इतना पावरफुल है कि आप इस प्रयोग को करेंगे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। अचानक से जो परेशानियां आ रही थी, घर में जो अशांति का माहौल था, अचानक से जो परेशानी आ रही थी वो खत्म होके अचानक से खुशहाली आएगी जिंदगी में। प्रयोग बहुत ही पावरफुल है, बस ये डिपेंड करता है कि आप कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। मैं दोस्तों एक एक जानकारी अच्छे से देता हूं, ठीक है। आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं और फिर वही क्वेश्चन जो मैं वीडियो में दे चुका होता हूं जानकारी, वही क्वेश्चन मुझसे कमेंट्स में करते हैं। दोस्तों कोई भी रेमेडी करते हैं ना तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, अच्छे से जानकारी को समझ लें। जब लगे कि हाँ जानकारी पूरी समझ में आ गई है, उसके बाद में किसी रेमेडी को करें। और जो चीज मैं वीडियो बता चुका हूं वो चीज मुझे क्वेश्चन कमेंट्स में ना पूछें। एक एक चीज मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दी है, बहुत अच्छे से बता दी है, तो अच्छे से समझ करके इस रेमेडी को करिए, उसके बाद में देखिए आपको कैसे लाभ नहीं मिलता है। घर में दरिद्रता है, गरीबी है, ये सब दूर हो जाएंगी। आपको ऐसा लगता है कि घर का माहौल इतना बिगड़ा हुआ है कि घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, ये प्रयोग करिए, उसके बाद में देखिए घर में कैसे शांति का माहौल आता है। बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत ही पावरफुल उपाय है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।